एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आज हम आपको बताएंगे पंचायत चुनाव को लेकर कैसी है सरकार की तैयारी, साथ ही आपको बताएंगे आरक्षण का फार्मूला क्या है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की खबर पर। आपको बता दें यूपी के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस बार पंचायत चुनाव में आरक्षण रोटेशन के आधार पर ही होगा। उन्होंने बताया कि 2015 में हुए चुनाव के समय रोटेशन की प्रक्रिया शुरू शून्य घोषित करके नए सिरे से आरक्षण जारी किया गया था। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अब रोटेशन की प्रक्रिया से होने वाले आरक्षण से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों की करीब 70% सीटों की मौजूदा स्थिति में बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ कराने के लिए सभी लोग तैयार हैं। आपको बता दें निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में होने जा रहे 63 पंचायत चुनाव में इस बार वोटर लिस्ट मिलना मुश्किल होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने SMS के जरिए OTP प्राप्त कर आयोग की वेबसाइट से वोटर लिस्ट डाउनलोड करने की ये सुविधा नहीं दी है। वर्ष 2015 में हुए पंचायत चुनाव में ये सुविधा दी गई थी, इसलिए इस बार प्रत्याशियों को उनके समर्थक राजनीतिक दलों के लिए जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत बार वोटर लिस्ट के प्रिंट आउट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके नहीं मिल सकेंगे। इसके साथ ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें। जनपद के 1237 ग्राम पंचायतों में 4 पदों पर होंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने 23 अधिकारियों को चुनाव से पहले छोटी बड़ी सभी प्रकार की चुनावी तैयारियां पूरी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किए जा गए इन अफसरों को चुनाव से संबंधित कार्यों पर अपनी देखरेख कराने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर आरक्षण पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भावी प्रत्याशियों ने लेकर मतदाताओं को इसका इंतजार है। गांव में प्रत्याशियों की ओर से चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण की सूची आते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो जाएंगी। इसमें कार्मिक नियुक्ति व्यवस्था एवं प्रशिक्षण सुशील कुमार श्रीवास्तव, जोन सेक्टर निर्धारण जोनल एवं परिवहन एवं ईंधन व्यवस्था राजेश कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी मतपत्र व्यवस्था शशिकला शुक्ला, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, निर्वाचन किट प्रपत्र मतपेटी व्यवस्था अजय पालीवाल, जिला सहायक निबंधन सहकारी समिति, बैरिकेटिंग एवं टेंटेस व्यवस्था जितेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, कानून शांति व्यवस्था एवं आचार संहिता अनुपालन राजेश सिंह, ADM जन शिकायत एवं उसका त्वरित निस्तारण गिरीश चंद्र यादव, मुख्य कार्यकारी मत्स्य, मतदान केंद्र एवं निर्वाचन नामावली ADM कंट्रोल रूम विजय प्रकाश शर्मा, और निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन से लेकर मतगणना तक ऑनलाइन किए जाए गए मत सूचनाओं का मॉनिटरिंग एवं सूचना प्रेषण नीरज कुमार श्रीवास्तव, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी मतगणना, मतगणना और कार्मिक यात्रा भत्ता एवं निर्वाचन बेलेख संबंधित कार्य अभिलेख प्रताप सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी परिसीमन एवं आरक्षण रमेश चंद्र उपाध्याय, जिला पंचायत राज अधिकारी वीडियोग्राफी एवं वीडियोग्राफी व्यवस्था भूषण कुमार, उपयुक्त श्रम एवं स्वरोजगार प्राथमिक चिकित्सा किट एवं COVID-19 स्वास्थ्य व्यवस्था विद्युत एवं विकास व्यवस्था विजयराज सिंह, शिक्षक संबंधित सभी व्यवस्था अनिरुद्ध प्रताप सिंह उप जिलाधिकारी सदर, दूरभाष एवं इंटरनेट व्यवस्था BK सिंह मंडल अभियंता, डाक वितरण व्यवस्था गोपाल पांडे प्रशासनिक अधिकारी जिला विकास कार्यालय, खानपान व्यवस्था कुमार निर्मलेंदु जिला पूर्ति अधिकारी, प्रेस एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार जिला सूचना अधिकारी, पेयजल व्यवस्था ब्रह्मानंद अधिशासी अभिनंता जल निगम द्वितीय को नियुक्त किया गया है। अब शासन द्वारा कभी भी आरक्षण सूची जारी हो सकती है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने पिछली 5 बार के ग्राम पंचायत बार आरक्षण ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। आरक्षण की सूची सभी को इंतजार है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े अन्य कार्यों को पूरा करने में जिला प्रशासन लगा है। तो वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।